भी इम्पोर्टेंट वीडियो दोस्तों, अगर आप पीसी या लैपटॉप चलाते हैं और आपके सामने ये ब्राउजर में कुछ इस तरह का ये प्रॉब्लम आ जाता है तो आप इसको कैसे 1 मिनट के अंदर फिक्स कर सकते हैं, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को इन तक बने रहेगा ताकि अगर आप लोग काम कर रहे हो और आपको अगर उसी के बीच इस तरह का एरर आना शुरू हो जाए तो आप लोग का काम ही नहीं होगा और आप लोग परेशान हो जाएंगे और आपको छोड़ जाएंगे। लेकिन आपको छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा लाइव प्रूफ, तो ज़रूर आप लोग एंड तक वीडियो को बने रहेगा। और वीडियो गाइज पसंद आए तो आप लोग नीचे देखिएगा रेड में सब्सक्राइब बटन देखिएगा, उस पर भी क्लिक करके सब्सक्राइब करिए। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस पीसी का शो होता है, नीचे एक टाइप हेयर का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है और लिखना है कंट्रोल पैनल, राइट। आपको लिखना है कंट्रोल पैनल और कंट्रोल पैनल लिखने के बाद उस पर क्लिक कर देना है। अगेन आपके सामने इस तरह का ये जो है कि ऑप्शन या एक जो है कि टूल्स ओपन हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं और यहाँ पे कंट्रोल पैनल का कुछ इंटरफेस है, राइट। आपको यहाँ पे देखिए एक नेटवर्क एंड दिखेगा इंटरनेट, अगेन आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक करते हैं आपको ये सेकेंड ऑप्शन ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, अगेन इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं कि ये आपके मोबाइल को डिटेक्ट किया है, जो IQ यहाँ पे मोबाइल है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मोबाइल है उसको डिटेक्ट किया है। XX टाइप में देखेंगे तो कनेक्शन यहाँ पर वाईफाई मेरा कनेक्ट है, इस पर क्लिक करिएगा, क्योंकि हम लोग वाईफाई से ही कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग नीचे जैसे जाते हैं तो हम लोग के पास इस तरह का ऑप्शन आता है, लिखा है IP4, ठीक है, कनेक्टिविटी इंटरनेट IQ वीवो जो है आपका यहाँ पे 72.2 MPS का स्पीड दे रहा है अभी, यहाँ पे फिलहाल ये बता रहा है। आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पर आना है, बस इसको आप लोग एक बार करिएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, राइट। और आपको कुछ करना नहीं है, जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ बस इसको आपको ऐड करना है, ये जो आपको 268 और 67, ठीक है, ये है DNA सर्वर जिसको आपको यहाँ पे ऐड करना है और ये सारे PC और सारे सिस्टम ये काम करेगा। उसके बाद आपको 222 67 के बाद 222 और आपको फिर 222, यहाँ पे 4 स्टेप आपको इसको करना है। उसके बाद फिर नीचे अल्टरनेट DNA, ठीक है, 208 और 47 और 220 और 220, ये दो आपको यहाँ पे सर्वर जो है कि यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपको फिर ओके करना है और क्लोज कर देना है यहाँ से, क्लोज। अब क्लोज करने के बाद आपका यहाँ पे सॉल्व हो चुका होगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग बैक आते हैं। बैक आने के बाद अब हम लोग चलते हैं ब्राउजर में, जो हम लोग को ब्राउजर परेशान कर रहा था, और इस पर क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पे कोड नोट जो ऑप्शन यहाँ पे आपको शो कर रहा है। अब इसको मैं यहीं से ओपन करके दिखाता हूँ रिलोड पर क्लिक करके। तो देखिए अभी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया हूँ और देखते हैं कि कब तक ये यहाँ पे काम करना शुरू करता है। तो चलिए यहाँ से मैं इसको बैक करता हूँ। बैक करने के बाद प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, और सर्च करने के बाद अब यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ब्राउज़र ओपन ही नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये वेबसाइट ओपन हो चुका है। तो आप लोगों को अगर ये परेशान कर रहा है तो इसको आप लोग इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। सो आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।